याद तुम्हारी आई है, फिर दिल करता है तुम्हें नमन। हे मानव एकता के मसीहा, युग परिवर्तक गुरु बचन। बाबा गुरु बचन सिंह जी महाराज की यादों से महक रहा है ये अप्रैल का महीना। आपकी शिक्षाओं को दोहराते हुए और आपके कल्याणकारी जीवन को शीश झुकाते हुए आइए न्यूज डिवाइन की शुरुआत करते हैं। मार्च महीने की खबरों के साथ अप्रैल महीने के इस एपिसोड में मैं हूँ आपके साथ महक। नमस्कार, धन निरंकार। तो बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को याद करते हुए आइए न्यूज डिवाइन के इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं सबसे पहले बाबा गुरुबचन सिंह जी की अनमोल शिक्षाओं से दिव्य वाणी में। आज दुनिया में एकता के जो ऐलान होते हैं वो परमात्मा को तो एक माना नहीं जाता, परमात्मा को तो जुदा जुदा मान के हम एकता जाते हैं। कि किसी का भगवान किसी एक ठिकाने में है, दूसरे का भगवान दूसरे ठिकाने में है, तीसरे का भगवान तीसरे स्थान पर है, तो उनमें एकता कहाँ आ सकती है। कहने से तो कह देते हैं कि भगवान भी एक है, अल्लाह भी एक है, राम भी एक है और गॉड भी एक है, लेकिन जब उनको पूछा जाए आपका भगवान कहाँ है तो वो सीधा मुंह करेंगे अपने उस स्थान की तरफ। तो यही सबसे बड़ी भूल है। एक सर्वव्यापी हर जगह विशाल रहने वाला जो भगवान है वो उसको हमने सीमित कर दिया, पाबंद कर दिया, एक दिशा में कर दिया, एक जगह पर कर दिया, तो ये एकता कैसे आने वाली है। जब तक ये हम नहीं समझ पाएंगे कि भगवान जो है वो एक सर्वव्यापी है, तब तक ये एकता और तरीकों से नहीं आ सकती। तो आज जो ये एकता आप देख रहे हैं ये इसी वजह से आई है कि ये सब लोग एक भगवान को जानने वाले हैं। इनको कहीं किसी को भी पूछा जाए इनमें से कोई नहीं कहता कि हमारा भगवान दिल्ली में रहता है या हमारा भगवान कहीं यूरोप में रहता है या कहीं और जगह पर रहता है। ये सब कहेंगे कि भगवान हमारा सर्वव्यापी अंग संग है, ये जानते हैं, जान कर कह रहे हैं। यही इनके मिशन में और संसार में अंतर है। तो इसी वजह से ही आज इनको कहा भी नहीं जाता कि आप सब एक हैं, लेकिन फिर भी आपको एकता नजर आती है, क्योंकि एक से जो मिल जाता है वो अवश्य एक हो जाता है। बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज के अनमोल विचारों की रोशनी ने लाखों ज्ञान के दिए जलाए, अनगिनत जिंदगानियों को रोशन किया। आपने कहा कि मानव कल्याण निरंकारी मिशन की बुनियाद है और ये मिशन देश, भाषा, जाति की सीमाओं में नहीं बन सकता। यकीनन आज ऐसे ही अनेक संकीर्ण दायरों को पार कर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी देश व दूर देशों में स्थान स्थान पर जाकर मानवता का कल्याण कर रहे हैं। मार्च के महीने में भी सदगुरु माता जी की रहमतें लगातार बरसती रही। इस महीने दिव्य युगल ने जहां कल्याण यात्राओं के दौरान आयोजित सत्संग कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं को निहाल किया, तो वहीं अनेक घरों में पारिवारिक रूप में भी अपना पावन सानिध्य प्रदान किया। इसी लड़ी में दिल्ली के राजा गार्डन में भी सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया और आए हुए श्रद्धालुओं पर सद्गुरु की भरपूर कृपा हुई। इस महीने रंगों के त्योहार होली के उपलक्ष में ग्राउंड नंबर 8 में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी के सानिध्य में रूहानियत के रंग सजे हुए नजर आए। जहां कल्याण यात्राओं की लड़ी चलती जा रही थी, वहीं समागमों का सिलसिला भी लगातार चलता रहा। सद्गुरु की रहमतों की यही बरसात दक्षिण भारत के समागम में भी देखने को मिली, जहां सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी की पावन हजूरी में मानवता का रूहानी गुलदस्ता सजा रहा। आइए देखते हैं बेंगलुरु समागम इस रिपोर्ट की नजर से। 29 फरवरी को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की रहमतें बेंगलुरु में बरसी, जहां दक्षिण भारत का निरंकारी संत समागम होना था। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन पवित्र दर्शन पाकर हर हृदय पुलकित हो उठा। सेवा दल के नौजवान व सात संगत समागम की तैयारियों में लगी हुई थी। समागम की तैयारी दिन रात चल रही थी। सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी ने सभी तैयारियों का जायजा लिया और सेवादारों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। सात संगत को यहाँ एक और खुशी दूध जलेबी के प्रसाद के रूप में मिली। सभी ने इन सुहाने पलों का आनंद लिया।
समागम स्थल में एक अलौकिक और सुंदर दृश्य प्रस्तुत हो रहा था। बेंगलुरु समागम का शुभारंभ शोभा यात्रा द्वारा हुआ, जहां दक्षिणी भारत की सुंदर पोशाकों में सजे संतों ने सद्गुरु माताजी एवं निरंकारी राजपिताजी का भावभीना स्वागत किया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिताजी ने हर संत को अपनी पावन कृपा दृष्टि से कृतार्थ किया। कार्यक्रम में दक्षिण भारत की वेशभूषाओं में सजे संतों महात्माओं ने सद्गुरु माता जी एवं राजपिताजी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया। यक्षगान। और अभी आपने जो ये अटायर पूरा पहना है, कितने किलो का है ये जो आपने पहना है? ये 8 केजी या 10 केजी का पता है। ये माता जी कृपा इंद नमगे आश्रय सिकिदे इदु इल्ली माड्लिके अदे अष्टे बल धन्यकारी जी माताजी। शोभा यात्रा के बाद बेंगलोर समागम के पहले दिन का सत्संग कार्यक्रम विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया। यहां मानवता का विशाल जनसमूह मौजूद था, जहां दक्षिण भारत एवं दूर दूर से आए हुए संतों को सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। संतों महात्माओं ने गीत, व्याख्यान एवं कविताओं द्वारा वहां मौजूद मानव परिवार को इंसानियत की प्रेरणा प्रदान की एवं सद्गुरु की रहमतों के पात्र बने। समागम के पहले दिन निरंकारी राजपिता जी ने अपने पावन वचनों द्वारा संतों महात्माओं को नवाजा। ये निरंकार, ये परमात्मा जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, जो सब में है और जिसमें सब है, ये धन्य है। इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम। इसलिए हर मौके पे जब अवसर मिलता है तो भक्त कहता है कि धन्य निरंकार। और ये मात्र शब्द, ये शब्दों की तरह सिर्फ उच्चारण ना हो, पर जब भी ये रसना को मौका मिले धन निरंकार कहने का, तो हम एहसास भी कर सकें कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा धन्य है। ये जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। और ये सद्गुरु ने परमात्मा, ये निरंकार जीवन में, ये सत्य जीवन में जो मुझे दिया है, ये उतना ही सत्य है जितना वो उत्तर में सत्य है उतना ही दक्षिण में सत्य है, जितना पूरब में सत्य है उतना ही पश्चिम में सत्य है, जितना कन्नड़ भाषा में सत्य है उतना हिंदी भाषा में सत्य है, जितना मलयालम में उतना ही तमिल में। तत्पश्चात सद्गुरु माता जी ने अपना दिव्य संदेश समस्त मानव परिवार तक पहुँचाया। समागम में हर प्रकार की व्यवस्था की गई थी, लंगर, कैंटीन, पब्लिकेशन तथा निरंकारी प्रदर्शनी। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राज पिताजी ने निरंकारी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। समागम में आए सभी श्रद्धालुओं ने इस प्रदर्शनी का लाभ उठाया। हम सब महापुरुष यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आज समागम में दो दिनों के लिए, एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस एग्जीबिशन। मी एंड आर होल टीम इज वॉलंटियरिंग हियरिंग टू एक्सप्लेन ऑल द मॉडल्स। हम सारे मॉडल्स जो भी हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरा नाम संतोष कुमार है, हम नेपाल से हैं। आपसे आपने अभी एग्जीबिशन देखा तो कैसा आपको एक्सपीरियंस हुआ? एक्सपीरियंस अच्छा लगा, बहुत सारे चीज़ सीखने को मिले जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, जो तनाव रहते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली सिखाया जाता है कि इंसान को कैसा ये ज्ञान है, या फिर जो एग्जीबिशन दिखाया गया इसमें पता चलता है कि इंसान को कैसे सुकून मिल सकता है। My name is Abhigyan and I'm from Bengal and I would even say her first
for making these models. Thank you for giving us the values of life. And today, since I have come to, since I've seen a lot of models and this exhibition, I have learnt a lot of my mistakes, and from now I will correct it also. So thank you, Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj. मैं बैंगलोर से हूँ और ये समागम जो इस बार साउथ इंडिया का बैंगलोर में ऑर्गेनाइज़ हो रहा है तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस पूरे समागम का. एंड अभी भी जब एग्जीबिशन का पता चला कि वॉलंटियरिंग की सेवा मिलनी है तो जब ये एक्सप्लेनेशन हो रहा था मॉडल्स का तो तभी समझ में आया कि वो जो सुकून की जर्नी इस बार का थीम है समागम का भी. तो जब एग्जीबिशन स्टार्ट होती है वहाँ से एंड तक ईच मॉडल गिव्स यू एन आइडिया कैसे वो Who am I से स्टार्ट होता है एंड देन इट लीड्स यू फर्दर आगे आगे जब एंड तक आप पहुँचते हो देन यू गेट टू नो कि अब जो मेरा जर्नी है सुकून का वो कहाँ तक पहुँचा और मुझे अब और कितना एफर्ट करना है उस सुकून को अटेन करने के लिए. 3 मार्च को समागम के दूसरे दिन का शुभारंभ सेवा दल रैली द्वारा हुआ जहाँ सेवा दल के भाई बहनों को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राज पिता जी का पावन आशीर्वाद प्राप्त हुआ. सद्गुरु माता जी ने ध्वजारोहण कर समस्त सेवा दल को प्रोत्साहित किया तथा उनका जज्बा बढ़ाया. भक्त सेवादारों ने विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा निष्काम सेवा और भक्ति का संदेश दिया. अंत में सद्गुरु माता जी ने सभी भक्त सेवादारों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने दिव्य वचनों में फरमाया, जो सेवा दल की वर्दी मिली है तो वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ 2400 घंटे हमने सेवा तो करनी है पर जब ये वर्दी पहनी है तो एक और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर बढ़ता है. एक अपने आप को और चेतन करके उस समय वो सेवाओं को निभाना तो कैसे एक अपना अंदर से मन से एक बॉडी लैंग्वेज से एक अपने शब्दों से एक व्यवहार से हर चीज़ें इक्वली वो मायने रखती हैं. और एक सिर्फ ऊपरी एक रवैया एक इशारे अगर हम कर रहे हैं ड्यूटी अनुसार तो उसमें भी वो अंदर मन के भाव क्या हैं वो साफ झलकते हैं. तो कैसे हर किसी ने जब भी सेवा करनी है ये मन के भावों को पहले पवित्र करके एक अपना अहंकार खोके तो ही वाकई ही वो सेवा एक निस्वार्थ भाव से हो सकती है. सेवा दल रैली के पश्चात समागम के दूसरे दिन का विधिवत रूप से आगाज हो गया जहां संत महात्मा सद्गुरु की अपार रहमतों के पात्र बने. समागम के दूसरे दिन भी समस्त सात संगत को सद्गुरु के पावन आशीर्वाद प्राप्त हुए. तत्पश्चात रात्रि में इसी दिन संतो महात्माओं ने गुरु वंदना का लाभ प्राप्त किया जहां अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से संतों ने अपने सद्गुरु को रिझाया. अगले दिन 4 मार्च को बेंगलुरु में सामूहिक शादियों का आयोजन सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राज पिता जी की पावन रहनुमाई में किया गया. तो देखा आपने कि किस तरह से सद्गुरु के पावन प्रेम का गीत हर दिल गा रहा है और रूहानियत की खुशबू से हर भाव महक रहे हैं. इसी लड़ी में आइए अब भारत की सीमा पार कर आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं नेपाल समागम की रूहानी झलकियों से. नेपाल का 2 दिवसीय निरंकारी संत समागम 16 एवं 17 मार्च को काठमांडू में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राज पिता जी की पावन छत्र छाया में आयोजित किया गया. समागम में नेपाल के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु भक्त उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए. 13 मार्च को सद्गुरु माता जी जब नेपाल पहुंचे तो भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई. सभी ने बड़े उत्साह के साथ दिव्य युगल का स्वागत किया. सद्गुरु माता जी ने सर्वप्रथम यहां नवनिर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया और सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया. जहाँ भक्तों को सद्गुरु माता जी के दर्शन प्राप्त हुए वहीं सद्गुरु माता जी से दूध जलेबी का प्रसाद ग्रहण कर श्रद्धालु गदगद हो उठे. इन खूबसूरत पलों का सभी ने भरपूर आनंद लिया. हामी धन्य छौं सद्गुरु माता जी प्रति एकदमै हामीलाई चाहिँ ठूलो आशीर्वाद बरसाउनु भएको छ. मायसेल्फ अर्जुन सिंह बोल
it's really such a blissful environment that we all are having in the presence of Her Holiness Sadhguru Mataji. That's what I'd like to really thank. And yes, we all Nepalis are so grateful and very lucky having Sadhguru Mataji in our country. Mataji, thank you so much. आज सद्गुरुको हातबाट दुध जुलै खान पनि एकदमै सुकुनको भइरहेछ सद्गुरुको कृपाले. श्रद्धालु हर मुंबईवरून आली आहे. आज नेपाळच्या इथे काठमांडूमध्ये जे समागम होत आहे इकडे येऊन खूपच छान वाटत आहे मला. मला खूप जास्त सुकून भेट आहे. समागम की व्यवस्था के लिए नेपाल तथा भारत के सेवा दल के सभी भाई बहन सेवा में तत्पर रहे. आज हम खड़े हुए नेपाल 2300 संत समागम के लंगरों की सेवाओं में और देखेंगे कि आज हमारे सेवा दल भाई बहन यहाँ पर सेवा कर रहे हैं. दासी नेपाल से है और आज दासी को ये फुल्की बनाने की सेवा मिली है. इसके लिए माता जी को धन्यवाद व्यक्त करना चाहती है. और जो दासी ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा सेवा करने का मौका मिलेगा. हम इंडिया से आए हैं नेपाल समागम में. सतगुरु माँ के आशीर्वाद से हमारी सेवा लगी है यहाँ पे लंगर में. सहारनपुर क्षेत्र से है और यहाँ हमारे दाल चावल ये बनाने की सेवा लगी है. दासी दरभंगा से है, लेरिया सराय प्रांत से. और जब नेपाल आए और ये देश में आए तो बहुत अच्छा लगा. संतों से मिल के बहुत आनंद आया. सेवा हमें थाली सफाई के लिए मिली है और हम बड़ी खुशी से और सुकून मिल रहा है ये सेवा करके हमको. नमस्कार, मेरा नाम रोशनी श्रेष्ठ है. मैं नेपाल टेलीकॉम से हूँ. यहाँ पे आए हुए विभिन्न देश से आए हुए वहाँ के सुविधा के लिए हमने नेपाल टेलीकॉम से सिम कार्ड प्रोवाइड कर रही हूँ. जो लोग यहाँ आ रहे सेवा लेने के लिए उन लोगों का नम्रता देखकर हमको बहुत अच्छा लगा. हमको भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को सेवा करने पाए. 13 मार्च से ही समागम स्थल पर भारी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन निरंतर जारी रहा. श्रद्धालुओं को ठहराने की व्यवस्था ग्राउंड में ही की गई और साथ ही लंगर की व्यवस्था भी ग्राउंड में उपलब्ध थी. यातायात, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया गया. डिस्पेंसरी की व्यवस्था भी समागम ग्राउंड में की गई जिससे आए हुए श्रद्धालुओं को जरूरत पड़ने पर इसका निःशुल्क लाभ मिला. साथ ही साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ग्राउंड में ही कैंटीन की भी व्यवस्था की गई थी. पब्लिकेशन विभाग द्वारा मिशन का साहित्य, फोटो, डायरी इत्यादि के साथ साथ अनेकों भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गईं. निरंकारी प्रदर्शनी के माध्यम से सद्गुरु की कल्याण यात्राएं एवं विश्व में संत निरंकारी मिशन के द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ, नेपाल समागम का इतिहास और विविध विषयों को प्रस्तुत किया गया. यूँ तो निरंकारी एग्जीबिशन एक जो संत निरंकारी मिशन के प्रचार को आगे से आगे सामाजिक देन भी दे रहा है और एक ज्ञान के प्रचार के रूप में भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है. यहाँ पे एग्जीबिशन का प्रारंभ 8 तारीख से हो गया था और फुल कंप्लीट ये 13 तारीख को माता जी ने उद्घाटन किया. नमस्कार, मेरा नाम है पूजा श्रेष्ठ. मैं ललितपुर पाटनबाट आएको. म यहाँ फर्स्ट टाइम आएको. आज यहाँ फर्स्ट टाइम आए देखेर लाइक साथी म्युजियम जम भनेर मात्र यहाँ छिरेको. लाइक छिर्ने बित्तिकै कोटेसन्सहरू जुन चाहिँ इन्सपायरिङ छ अलिकति हुन्छ नि अरूभन्दा डिफ्रेन्ट. अनि यहाँनिर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन बाहिरबाट आउनु भएको हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ एउटा सर्भिस सुरु गर्नुभएको रहेछ. लाइक डिफ्रेन्ट ठाउँमा हाम्रो नेपालमा नै आएर गर्नुभएको रहेछ. यहाँ चाहिँ इक्वालिटी एउटै रहेछ भनेर बुझाउनु खोज्नु भएको रहेछ. कुनै जात होइन, कुनै धर्म होइन, अलिक सबै थोक एउटै हो. हामी मान्छे हौँ, सबै इक्वल हुन्छ भनेर बुझिँदो रहेछ. अलिकति नलेज यही पाएँ मैले चाहिँ. समागमकै पहिले दिनकी सुरुवात शोभा यात्रा से हुई. सद्गुरु माताजी एवं निरंकारी राजपिताजी विराजमान थे और श्रद्धालु भक्त नेपाल की अलग अलग वेशभूषा एवं संस्कृति को दर्शाते हुए माता जी के समक्ष अपनी कला एवं भक्ति भावों का प्रदर्शन कर रहे थे. आज हम देख रहे हैं 2300 निरंकारी संत समागम जो नेपाल में हो रहा है और भक्तपुर जिला के सल्लागारी में जो आयोजन हो रही है. हम देख रहे हैं कि शुभ यात्रा चल रही है और सतगुरु माता जी सुदीक्षा जी महाराज और राजपिता जी स्टेज में विराजमान है. विभिन्न वेशभूषा में महात्मा जी लोग सज रहे हैं. बहुत ही आनंद ही आनंद हो रहा है. सतगुरु के दीदार करके संत और सतगुरु के रूप के दर्शन करके वो भी बहुत आनंद ले रहे हैं. मेरा नाम इंदिरा दानपाली, मैं सुदूर पश्चिम धनगढ़ी से आई हूँ. तो ये जो हम लोग ने ड्रेस पहन रखी है, हम लोगों के
हमारे सुदूर पश्चिम का कल्चर का ड्रेस है और हम लोगों ने जो वहाँ पे प्रस्तुत किया डांस वो सुदूर पश्चिम का ड्योडा डांस बोलते हैं उसको, तो उसमें हम लोगों ने इस सतगुरु का ही गुणगान किया हुआ है। ये होरी जो हमने अभी प्रदर्शन किया है, जो वो होरी असम में खेला जाता है सुदूर पश्चिम में, जहाँ से सत्संग की शुरुआत हुई थी नेपाल में, सतगुरु माता जी का और परम पूज्य निरंकारी राजपिता जी का जो दर्शन हुआ उससे हमारा मन सकुन से भर गया है। यो मेरो नाम चाहिँ वन्दना मगर हो, यो चाहिँ हामी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरबाट आएका हो अनि हाम्रो चाहिँ यो मगर ड्रेस हो। हामीले चाहिँ आफ्नो कल्चर देखाएको, नाचेर झ्याउरे गीतमा नाचेर आफ्नो कल्चर देखायौँ। हामीले आफ्नो के अरे राजपिता र माताजीलाई देखेर धेरै प्रसन्न छौँ, हामीले धेरै खुसी लागिरहेको छ। उत्तराखण्ड देहरादून से हम सब आए हैं, बहुत सुंदर नज़ारा सतगुरु के जहाँ जोड़ी रूप में दर्शन हुए और बहुत आनंद बहुत रहमतें हमने सतगुरु से आज प्राप्त करी। हम लोग पूर्णवास नेपाल से आए हैं और हमारा झांकी जो था उसका शीर्षक है अनेकता में एकता, एकता में सुकून। हम काठमांडू से हैं और यह हमारा राय कल्चर का ड्रेस है। सतगुरु माता जी हमारे आंगन में आई है, आज हमें दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है हमारे लिए। वहाँ को बहुत धन्यवाद जो हम जैसे को दर्शन देने के लिए यहाँ तक पहुँचे सतगुरु माता जी। मेरा नाम ऋचा गुरुङ है और हम पोखरा से आए हैं। हमीहाले चाहिँ गुरुङ कल्चर को सो गरेको हो, माता जी को अगाडि हामीहाले भजन गाएको थियो। मेरो नाम कृति राई हो, म पूर्वी झापाबाट आएको काकरभेट्टाबाट। यति दिनबाट इन्तजार गरिरहेको छु, आज पूर्ण भयो। हामी अति भाग्यशाली छौँ कि माताजीको दर्शन पाउनु। हम मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से जिला फतेहगढ़ साहब से आए। राजपिता जी का बहुत बहुत शुक्रिया, माता जी का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने साडे ते कृपा की, साडे तरस किया, सानू स्वर्गी नजारा देखने का समा दिता। बॉम्बे से आए हुए हैं, बहुत ही हमें अच्छा लगा काठमांडू आके, और माता जी ने इधर दर्शन ऐसा दिया कि बस हमारा दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। दासी सब मिथिला ड्रेस जनकपुर का जो सीता जी के जानकी जी के धाम ने किया है माता, अहो भाग्य मिथिला के। शोभा यात्रा के उपरांत पहले दिन का सत्संग कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसमें नेपाली भाषा के अलावा विभिन्न भाषाओं में श्रद्धालुओं ने सद्गुरु के समक्ष अपने भाव व्यक्त किए। सद्गुरु के दर्शन से सबका मन हर्षित हो रहा था और उनकी खुशी कुछ इस तरह छलक रही थी। माता जी को देख के ऐसे लगा जैसे कि यहाँ कोई मंदिर से भी बड़ा इसमें आ गए हैं और मन को बहुत शांति मिला, सुकून मिला। माता जी के दर्शन करके बहुत अच्छा महसूस हुआ, मन को बहुत खुशी मिली। ऐसे माता जी की जो स्माइल है उससे जो पॉजिटिविटी मिलती है वो कहीं नहीं मिली आज तक कभी। हमरो नेपाल में माता जी आउनुहुन्छ भन्ने कुरो त हामीलाई पहिले नै सुनेको थियौँ, फेरि पनि आउनुहुन्छ भन्ने खबर हामीले सुनिसक्दा हामीलाई धेरै धेरै खुसी लागेको थियो। सक्सरमा नमस्कार किया, पुरा मन पुरा गुदगुद हो गयो माताजीको देखे, आँखमै पानी आ गए, मालिक हर घटमै दिखता है, अनि बच्चा लोग पुरा खुस हो जाता है, ये मालिक है सद्गुरु निराका। म नेपालको जति पनि महासन्तहरू छन् सबलाई भन्छु कि यो जो दर छ यो यति सच्चा दर छ, यस्तो दर कहीँ पनि छैन। सत्संग कार्यक्रम में निरंकारी राजपिता जी ने भी आई हुई संगतों को मार्गदर्शन दिया। हरदेव वाणी की ये जो पंक्तियाँ कि जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है, तो यहाँ मौजूद इस समागम में हर एक संत जो सदगुरु के चरणों से ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त कर चुका है, इस परमात्मा को अपनी झोली में डाल चुका है, वो इस बात की गवाही देता है कि ये कितना ज़रूरी है। तो फिर इसीलिए इस प्रकार के जो ये समागम, ये जो संत घरों से चलकर आते हैं, ये सत्संग का रूप बनता है, और ये सत्संग का रूप भी के सरकार की कृपा से, इस दातार की कृपा से हमें जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, तो ये ब्रह्म ज्ञानी जब मिलकर बैठते हैं और फिर इसको जानकर इस परमात्मा का यशोगान,
इसकी भक्ति, इसका जिक्र होता है तो फिर उसे सत्संग कहा जाता है। अंत में सद्गुरु माता जी ने समागम में आए हुए श्रद्धालु भक्तों को अपने पावन आशीर्वादों से कृतार्थ किया। आज काठमांडू में इस मैदान में सभी सत्संग के लिए जहाँ सिर्फ नेपाल के ही नहीं देश विदेश से और भी सभी संत पहुँचे हैं और वही संदेश आज सत्संग में भी जो हमेशा से इस दातार इस निराकार इस परमात्मा ये भगवान जो भी नाम से हम संबोधित करें कि कैसे एक यही सच है, इसके अलावा तो बाकी सब चीज़ें जो पूरे ब्रह्मांड में हैं बदल जाती हैं, कोई अपना समय के साथ साथ किसी का आकार बदल जाएगा, किसी का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, किसी में कोई और तरीके से कोई चेंज आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो हर समय कायम दायम है वो यही परमात्मा ये निराकार, और इसी निराकार से जुड़ने के लिए ये भक्तों ने आज भी संदेश दिया, तो यही संतों ने हमेशा चेतन करते हुए इंसान को कहा है कि श्वासों का पता नहीं कभी भी मौत आ जाएगी, तो जीते जी इस आत्मा का मिलन परमात्मा से कराओ, ये ब्रह्म ज्ञान से अपने जीवन को भी जहाँ एक बहुत ही सहजता से जी लोगे वहीं जीवन खत्म होने पर ये सालवेशन ये मुक्ति ये भी प्राप्त हो जाएगी। समागम काठमांडू नेपाल का दूसरा दिन शुरू हो चुका है सौदर रैली के साथ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सदगुरु माता जी एवं राष्ट्रपिता जी पालकी पर विराजमान हो चुके हैं और धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मंच के एक और श्योदल भाइयों और एक और श्योदल बहनें खड़े हैं वर्दी में और सदगुरु माता जी एवं राष्ट्रपिता जी भरपूर मुस्कान के साथ मीठी मुस्कान के साथ आशीर्वाद देते हुए मुख्य मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समागम के दूसरे दिन 17 मार्च को सेवा दल रैली आयोजित की गई। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के मंचासीन होते ही सेवा दल के भाई बहनों द्वारा पीटी प्रदर्शन किया गया। सेवा दल के भाई बहनों ने खेल स्पर्धाओं तथा अनेकों रोचक प्रस्तुतियों से अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। सद्गुरु माता जी ने सेवा दल के भाई बहनों को आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि जो सेवा दल की वर्दी पहनते हैं अथवा जो न भी पहनते हैं वे इस देश के हों या अन्य किसी देश के भी हों, सबकी सेवा के पीछे मुख्य भाव यही होता है कि सारा संसार ही अपना परिवार है। दूसरे दिन सत्संग कार्यक्रम में भी वक्ताओं ने विभिन्न भाषाओं में गीत एवं विचार प्रस्तुत कर सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने भी समागम में उपस्थित होकर सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। समागम के दूसरे दिन भी सद्गुरु माता जी ने समस्त मानव परिवार को अपना सत्य संदेश दिया। नेपाल के दो दिवसीय समागम के संपन्न होने के पश्चात उसी दिन शाम को गुरु वंदना समारोह में भक्तों ने जहां विभिन्न कलाओं के माध्यम से अपने भाव प्रकट किए तो वहीं सद्गुरु का पावन आशीर्वाद भी प्राप्त किया। एकदम मन खुश हो गया, धन्य हो गई माता जी के इतने करीब से दर्शन जो मिली, माता जी के सामने अपना कुछ जो छोटा सा कला था उसको प्रस्तुत करने के लिए एक मैं एकदम धन्य हो गए, एकदम खुश हो गए। मैं प्रकाश जोशी, मैं सड़कपुर बहुनिया 998 यूनिट से हूँ, सेवा दल हूँ। मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सद्गुरु माता जी के सामने परफॉर्मेंस करने का अवसर मिला। यो हाम्रो एकदम सौभाग्यको कुरा हो कि आज हामी सद्गुरु माताजीको स्टेज अगाडि हामीले डान्स गर्न पायौँ, यो हामीले सोचेको पनि थिएनौँ। अभी गुरु वन्दनामा हामी प्ले गर्ने का मौका मिला, तो हमारे प्ले का मोटिभ ये था कि हमें सोशल मिडिया के साथ जुडे रहना है लेकिन उसमें सुकून ढूँढना है। जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब, निरंकारी मिशन की कितनी चीज़ें मिलती हैं और भी कितनी चीज़ें मिलती हैं, हम उसमें से वो चीज़ फाइंड आउट करें, अपने बच्चों को उनमें एंगेज करें, ना कि दूसरी चीज़ों में। थैंक यू सद्गुरु माता जी। और इस तरह संपन्न हुआ नेपाल का 23वां निरंकारी संत समागम। नेपाल समागम के बाद भी ये रूहानी कारवां थमा नहीं बल्कि आगे बढ़ चला और दूर देशों में जा पहुंचा, साउथ ईस्ट एशिया के देश मलेशिया।
मलेशिया में 30 और 31 मार्च को दिव्य युगल की छत्र छाया में निरंकारी संत समागम आयोजित किया गया। आइए इस रिपोर्ट के जरिए चलते हैं दूर देशों की ओर और एक बार फिर से महसूस करते हैं सदगुरु के चरणों में बिताए रूहानियत भरे पलों को। समागमों की लड़ी में मार्च के महीने में 30 और 31 तारीख को साउथ ईस्ट एशिया का समागम मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। इस समागम में विश्व भर के अनेक देशों सहित भारत से भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। सबसे पहले सद्गुरु माताजी और राजपिता जी का आगमन 25 तारीख को सिंगापुर में हुआ। जब सद्गुरु माताजी और राजपिता जी यहाँ सत्संग हॉल में पहुंचे तो स्थानीय महापुरुषों ने रंगारंग कार्यक्रम द्वारा अपने सद्गुरु को रिझाया और सद्गुरु माताजी ने भी सभी को भरपूर आशीर्वाद दिए। 28 मार्च को जब सद्गुरु माताजी एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन मलेशिया की धरती पर हुआ तो स्थानीय भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ दिव्य युगल का भावभीना स्वागत किया। इसी दिन शाम को सद्गुरु माता जी ने आए हुए सभी श्रद्धालुओं को दूध जलेबी का प्रसाद जब अपने हाथों से वितरित किया तो श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। ये मंजर है सुकून भरा, ये पल है रहमतों से भरे। जी हाँ, संत निरंकारी साउथ ईस्ट एशियन समागम जहाँ विश्व भर के कोने कोने से संत महात्मा यहाँ आए हैं, हर किसी के लब पर सद्गुरु के प्रति शुक्राना है, तो आइए दिखाते हैं आपको इस समागम की कुछ झलकियाँ। धन निरंकार नमस्कार, मैं उर्वशी न्यूज सेवाइन की टीम से आ पहुंची हूँ मलेशिया। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं किस रूप में सेवाएं चल रही हैं, जहाँ सारे ही संत जुटे हैं तैयारियों में अपने सदगुरु को रिझाने के लिए। आप देख पा रहे हैं किस रूप से महात्मा उत्साह के साथ भरपूर खुशियों के साथ पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो इन तैयारियों का हिस्सा बन के आप जी को कैसा महसूस हो रहा है? ये तैयारियाँ सदगुरु के आगमन की, तो इसमें महसूस तो शुरू से लेके अभी तक सुकून की भावनाएं आ रही हैं। बिकॉज अगर हम देखें बाहर, जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जब भी हम कहीं और प्रोग्राम की तैयारियां करते हैं, तो 2-4-6 घंटे में लगता है कि थोड़ी थकान आ रही है। दास के साथ जितने भी साथी हैं, म्यूजिकल टीम है, जब बाकी सब महापुरुष आकर तैयारियाँ कर रहे हैं, सभी एकदम एनर्जी से भरे पड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है साउथ ईस्ट एशिया सेवा दल के इंचार्ज निर्मल जी। आइए जानते हैं किस रूप में सेवा दल की तैयारियाँ चल रही हैं। 3 महीने से ये सेवाएँ चल रही हैं, अलग अलग मीटिंग्स के द्वारा जहाँ पहुँच कर भी सेवाएँ करने का अवसर मिल रहा है, सतगुरु की खुशियाँ प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है और बहुत ही एक्साइटमेंट है हमारी इस सेवा के लिए। सभी जो महात्मा नौजवान दास के साथ फिलीपींस से आए हैं, पीछे चल रही हैं तैयारियां प्रदर्शनी की, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है समागम का, और साउथ ईस्ट एशिया समागम में भी इसको एक लघु रूप में दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी समागम की प्रत्येक तैयारी का, प्रत्येक गतिविधि का स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो मेन समागम हॉल हो या फिर परफॉर्मेंस स्टेज हो। मैं कृषिका अरोड़ा न्यूज डिवाइन टीम से आप पहुंचे हैं कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कैसे दूर देशों से श्रद्धालु चल के आ रहे हैं। मैं दर्शन सिंह राजस्थान से आया हूँ। इट इज़ लाइक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, लाइक कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू कुआलालंपुर। जैसे आप जी जानते हो कि मलेशिया में समागम है और जैसे दूर देशों से महात्मा आ रहे हैं, तो उनको कोई असुविधा ना हो इसलिए ये हेल्प डेस्क लगाया गया है, ताकि हम कैब बुक करके उनको वेन्यू तक पहुंचा सकें। साउथ ईस्ट एशिया समागम की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। हमारे सामने अभी आप देख सकते हैं सिंगापुर से बस आई है और महात्माओं का आगमन शुरू हो चुका है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मोटिवेशन, सारे जब संगते हैं, सब संत मिलते हैं इकट्ठे, और इतने महात्मा लोग मिले जो बहुत देर के बाद मिल रहे हैं, और सब बहुत उन सबकी खुशी, उनकी तमन्ना वो समागम अटेंड करने के लिए आए हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंस्पिरेशनल एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट समागम हियर इन कुआलालंपुर। न्यूज डिवाइन की टीम के साथ हम मौजूद हैं रजिस्ट्रेशन डेस्क के आगे, जहां साउथ ईस्ट एशियन समागम की रजिस्ट्रेशन चल रही है। हाँ जी, मेरे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की सेवा है। यहाँ पर हम जो भी ओवरसीज से सेंट्स आ रहे हैं उनको रजिस्टर कर रहे हैं,
सो फार अभी 1000+ रजिस्ट्रेशन हम करवा चुके हैं पिछले लास्ट 3 डेज से सेटअप लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है सेवा करके. As we reached here today only from Punjab, we are feeling so excited. At the time of registration, we just got this kit. So since we are feeling so excited for the same, for the Samagam. I got the stall ji, I got the band, I got the Sukoon tattoo ji, even I got the water bottle ji, जो प्लास्टिक नहीं जो स्टील है वो भी बड़ा अच्छा लगा कि हजूर ने किस तरह वो एक पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, प्लास्टिक को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जी. और हमें इसी बॉटल को अपने साथ 2 दिन कैरी भी करने वाले हैं जी. आम्ही मुंबई वरून आलो आहोत आणि फर्स्ट टाइम आम्ही इंटरनॅशनल समागम अटेंड करतोय मलेशिया मध्ये आणि आम्हाला खूप खूप आनंद होतोय. माताजींचा आम्ही खूप खूप धन्यवाद देतो. माय नेम इज सुभाष अडवाणी, आई एम फ्रॉम जकार्ता. यहाँ पे हम 12-15 जने आए हैं एंड इट इज एन अमेजिंग फीलिंग टू सी सेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम देख सकते हैं हमारे पीछे सतगुरु माता सुशिक्षा जी महाराज का आगमन हो चुका है और साथ में हमारे राजपिता जी भी मौजूद हैं. सतगुरु ने यहाँ पर आकर के अपनी जो रहमत बख्शी है और यहाँ पे भक्तों के हम भाव देख सकते हैं. दास मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ और दास का कहना ये कि जब हम भारत में या महाराष्ट्र में कई दिल्ली में समागम करते हैं सदगुरु माता जी का दर्शन 200-200 फीट से किया जाता है, दूर से देखा जाता है, लेकिन यहाँ 25 तारीख को सिंगापुर में भी सदगुरु माता जी का दर्शन हुआ और आज भी यहाँ ऐसे रौनक रूप में दर्शन हो रहा है तो सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, आनंद मिल रहा है. सो आई एक्चुअली कम फ्रॉम लॉस एंजलिस अमेरिका एंड you know it's unreal. It feels like I'm in heaven today looking at all the saints around me. You realize that this mission really is about universal brotherhood and it doesn't matter which city, which country, which continent you're on, the message of love, peace, inner peace stays the same. It's a lovely feeling. Hi, I'm Roshni from Hong Kong and now taking the darshan of Sadhguru Mataji, it is like the feeling of the heaven has just landed on the earth. संत निरंकारी साउथ ईस्ट एशियन समागम का पहला दिन. जी हाँ, ये पहला दिन और ये सुहाना अवसर और ये रहमतों भरे पल, ये सुकून भरे पल हम अब यहाँ पर देख पा रहे हैं जहाँ सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है. तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये संत महात्मा किस प्रकार से उत्साहित हैं और कैसे ये सुकून में झूम रहे हैं. 30 मार्च को समागम से पूर्व एक हॉल में जब दिव्य युगल आसन पर विराजमान हुए तो अलग अलग देशों से आए श्रद्धालुओं ने अपने अपने देश की संस्कृति के अनुसार सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी का हार्दिक अभिनंदन किया तथा दिव्य युगल के चरणों में अपने श्रद्धा भाव प्रतीक चिन्हों तथा मनमोहक डांस के रूप में प्रकट किए. सद्गुरु माता जी का पावन सानिध्य प्राप्त कर हर हृदय आनंदित हो उठा. तत्पश्चात समागम के पहले दिन के सत्संग कार्यक्रम की शुरुआत हुई. सत्संग कार्यक्रम में मुख्य मंच से अनेक भाषाओं में आध्यात्मिकता के संदेश दिए गए. सत्संग कार्यक्रम के अंतिम दौर में निरंकारी राजपिता जी ने भी सभी श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया. निरंतर जिक्र हो रहा है पीस विद इन और ये हम नजर घुमा के देख रहे हैं तो हॉल में जो बैनर्स लगे हैं जहाँ समागम का ये लोगो भी और साथ ही पीस विद इन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, तो जब सतगुरु माता जी ने ये समागम के लोगों की भी बख्शिश की तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक हिबिस्कस फ्लावर है रेड कलर का जिसमें 5 पेटल्स हैं. तो जो हिबिस्कस फ्लावर है वो मलेशिया का नेशनल फ्लावर और उसके पीछे जब
रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि दिस फ्लावर वॉज चोजन टू सिम्बलाइज द डाइवर्सिटी एंड टू एक्सेप्ट ऑल डिफरेंट कल्चर्स इन दिस कंट्री. एंड दिस फाइव पेटल्स ऑल्सो सिम्बलाइज द नेशनल फिलोसफी, द फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशनल फिलोसफी. और साथ ही जितने भी ब्रह्म ज्ञानी संत यहाँ बैठे हैं वो ये भी जानते हैं कि सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पहले पांच प्रण हमें मिलते हैं, तो उसका भी ये सिंबल. अंत में सदगुरु माता जी ने समस्त मानवता को आशीर्वाद प्रदान किया. तो बात जहाँ प्यार की हो रही है, प्रेम की हो रही है, लव की हो रही है, वहीं ये एक्सेप्टेंस की भी हो रही है कि किस तरह ये हर एक को अपना मानना कैसे संभव हो. हर एक का स्वभाव, ये नेचर हर एक का कितना अलग है. हर एक को अपना कैसा माना जाए, कैसे मान लें कि सभी अपने हैं. तो बात वही कि सभी में परमात्मा है, तो सबसे पहले ये परमात्मा को देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा, फिर हर एक में परमात्मा खुद ही नज़र आता है. फिर कोई फ़र्क ही नहीं कि कोई ये दोस्त मित्र परिवार से हैं या कोई बेगाने हैं, सभी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, सभी अपने दिखते हैं. तो ऐसा प्यार और एक्सेप्टेंस का जीवन जब बन जाता है, ये अपनत्व का जीवन बन जाता है, ये एकत्व का जीवन बन जाता है, तो ये वननेस, ये वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की, अलग दिखने के बावजूद, अलग कल्चर के बावजूद, हर कोई एक दिल से दिल का रिश्ता जोड़ता है. ये ऊपरी दीवारें, ये कारण नफरत करने के, सब ये दीवारें टूट जाती हैं. तो कैसे अपने जीवन में ये एक्सेप्टेंस और लाई जाए. सदगुरु के प्रवचनों के बाद आई हुई संगतों को दिव्य युगल के चरणों पर नमस्कार का अवसर प्राप्त हुआ. अपने आराध्य के श्री चरणों में शीश झुकाकर हर हृदय आनंदित हो रहा था. हर एक संत के चेहरे पे वही रौनक, वही खुशियां झलक रही है. और कैसे हर एक संत मुस्कुराते हुए चरणों में नमस्कार के लिए लाइन में आराम से हर एक छोटी छोटी चीज देखते हुए जा रहे हैं कि किसी भी संत को कोई भी परेशानी ना हो और हर एक संत को वही अवसर मिले, वही खुशियां मिले और वही अपने दो दो देशों में यहाँ से खुशियां लेते हुए जाए. और आज के सत्संग समागम करलाम और अखन माता जी के नमस्कार करे मन भरे गेलो. मलेशिया आके बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट फॉरेन ट्रिप है और इससे अच्छी शुरुआत और क्या होगी कि सदगुरु के चरणों में इस तरह से सत्संग करने का मौका मिला, इतने सारे महात्माओं के दर्शन हुए, तो इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल. बड़ी ही खुशनसीबी लग रही है यहाँ इस रूप में समागम करके इंडोर्स, क्योंकि हर वक्त तो हमेशा ग्राउंड पर समागम अटेंड करा था, तो इस बार ये इंडोर में भी वही सुकून का जो है महसूसियत हो रही है. रूह गदगद हो गई है, ऐसा मजा कभी नहीं आया जितना आज मेरे को मलेशिया में आके. बहुत अच्छा लगा माता जी के दर्शन करके. और यहाँ जो समागम देख रहे हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज है और बहुत ही बढ़िया वेल मैनेज्ड है और बिल्कुल जैसे इंटरनेशनल लेवल पे समागम होना चाहिए वैसे हो रहा है. ऐसा हमने सुना है कि जो अब्रॉड की जो इतनी फास्ट जो दुनिया है, लेकिन उसमें से भी अभी हमने देखा कि कितने यंग बच्चे, कितने छोटे बच्चे, कितने एल्डर बच्चे, सभी जो हैं इतनी जैसे बोलते हैं डेडिकेशन से वो जो सेवाएं कर रहे हैं, बहुत ही, इट इज़ वेरी मतलब इंस्पायरिंग है हमारे लिए कि इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में से वो टाइम निकाल रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हजूर के प्यार के पीछे दीवाने हुए हैं. एंड ऑन बिहाफ ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया वी फील क्वाइट ऑनर्ड टू बी प्रेजेंट इन दिस वेरी ऑस्पिशियस ओकेशन. I think it is very important in the lives of every individual that the message of peace, message of love must be spread, and it is equally important that the source for this love and happiness that is coming from within and the enlightenment coming from within, these words are so important in our lives, and I could see that through this samagam that the message has come out very loud and clear through the presence of Her Holiness in Kuala Lumpur. जिस प्रकार हमें एग्जीबिशन, प्रदर्शनियाँ हमारे एनुअल समागम ग्राउंड पे देखने को मिलता है,
ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ कुआलालंपुर मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया समागम में भी एग्जीबिशन देखने को मिल रहा है। इसका इनॉग्रेशन सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और रेवरेंड राज पिता जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो मतलब वक्त मिलता है देखने के लिए, समझने के लिए, द होल स्टोरी ऑफ पर्सन ट्राइंग टू, आदमी सुकून ढूंढ रहा है एंड देन क्या क्या उसके चैलेंजेस है ऑन द गो, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही पिक्टोरियल फॉर्मेट में डिपिक्ट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। दिस माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, दिस अ फर्स्ट एक्सपीरियंस स्पेशली नीरंगिरी मिशन, अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई विल बेसिकली आई कम हियर एज अ पार्ट ऑफ वेंडर, बट when things turns to be is totally different, the feeling is totally different, the message is out of, well, you see now we really know what's meaning of peace. It has been a great journey. A lot of saints have contributed in a different ways, some designing, procurement, and then a lot of execution had happened, and because of that this exhibition is here. The whole motive of this exhibition is to, you know, tell the people about the sukoon. So as you're explaining people about the exhibition, what all things are highlighted in your exhibition? So basically, like this model, it represents like how, as you can see, all these people are blinded, and by the materialistic things that they think will get them and result them in sukoon. But sadly, this is not the case. The sukoon they think they will achieve, it's temporary and won't last. But the actual sukoon is permanent and is constant and sure to never leave. 31 मार्च को समागम का दूसरा दिन था। इस दिन श्रद्धालुओं द्वारा रूहानी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन सुंदर प्रस्तुतियों के रंग में सत्संग हॉल में बैठा हर दिल रंगकर आनंद विभोर हो उठा। इसी बीच सतगुरु माता जी एवं निरंकारी राज पिता जी का दीदार दिलों में रूहानियत की लहर उठा रहा था, जिससे मन के साथ साथ तन भी झूमने लगे। तो आप ये भी परफॉर्म करके आए हो, सब कैसा लग रहा है आप सभी को? वैसे देखा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब से हम प्रैक्टिस स्टार्ट किए, हर एक प्रैक्टिस में, हर एक स्टेप में हमें ऐसे लगता था कि सदगुरु माता जी राजपिता जी हमारे सामने ही बैठे हैं, उनको सामने रख कर ही हम प्रैक्टिस करते थे। लेकिन आज ऐसा हुआ कि साक्षात वो दोनों सामने बैठे ही हैं हमारे। इस कार्यक्रम के बाद इसी स्थान पर महफिल रूहानियत सज गई, जिसमें गीतकार श्रद्धालुओं ने सुर, साज और आवाज के मधुर संगम से पूरे आलम को गुंजायमान कर दिया। खुदा का घर दिखलाया है, जिसने कायनात बनाई है, खुदा उसी में समाया है। खुदा की बात है, खुदा की जानी। तो आपने देखा कि किस तरह से मानव एकता का खूबसूरत नज़ारा इन समागमों में सजा रहा। इसी मानव एकता की परिकल्पना की बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने, जो आज दिव्य युगल की छत्र छाया में भी साकार हो रही है। आपके आशीर्वाद से लोक कल्याण का ये सिलसिला चल पड़ा और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में विशाल रूप लेकर परोपकार की यह धारा बहती जा रही है। पिछले महीने भी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत अनेक गतिविधियां की गई। तो आइए अब देखते हैं सामाजिक सेवाओं का ब्यौरा इस रिपोर्ट में। नर सेवा नारायण पूजा संत निरंकारी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत की जाने वाली सामाजिक सेवाओं की लड़ी मार्च के महीने में भी निरंतर चलती रही। ब्लड डोनेशन की लड़ी में 9 मार्च को पंजाब के बरनाला में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस कैंप में भारी संख्या में निरंकारी श्रद्धालुओं ने सद्गुरु की शिक्षाओं पर अमल करते हुए रक्तदान करके मानवता को जीवन दान देने में सहयोग किया। यहाँ आकर मैंने पहली बार रक्तदान करा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे दिए गए रक्त से मैं बहुत खुश हूँ, ये सोचकर कि किसी की जान बचेगी। मेरा नाम डॉक्टर शिफाली, हाउस सर्जन, सिविल हॉस्पिटल बरनाला। ते अज निरंकारी भवन बरनाला कैंप लगाया गया, खूनदान कैंप। 110 टोटल खूनदान किए गए है। मैं इन्हों का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने इतने आके सेवा करने का मौका मिला। 10 मार्च को दिल्ली के राजा गार्डन में आयोजित सत्संग कार्यक्रम के दौरान एशियन तथा नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले दिव्यांग चैंपियंस ने सदगुरु माता जी एवं निरंकारी राज पिता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इन एथलीट्स को संत निरंकारी मिशन द्वारा सपोर्ट तथा सहायता प्रदान की जाती रही।
मार्च के महीने में 21 तारीख को समालका स्थित प्लेग्राउंड में बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के 24वें एडिशन का फाइनल मैच खेला गया। ज्ञात हो कि ये मैच 25 फरवरी 2024 से ही जारी था, जिसका समापन इस फाइनल मैच के साथ हुआ। इस दौरान समय समय पर मिशन के प्रबंधकों ने पहुंचकर टीम्स का हौसला बढ़ाया। न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मैं वंदना पहुंच चुके हैं समालखा के क्रिकेट टूर्नामेंट ग्राउंड में, जहां पे 24वां एडिशन बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इसका आगाज 25 फरवरी को हुआ था, आज 21 मार्च को यहां पर फाइनल मैच खेला जा रहा है श्री गंगानगर और फजिलका टीम्स के बीच में, जहाँ पर गंगानगर की टीम ने ना ही जीत हासिल की है, वहीं फजिलका की टीम ने दूसरे नंबर पर आके इस खेल के भाव के साथ, इस नम्रता प्रेम सद्भावना के साथ दूसरे नंबर पे अपनी खुशी जताई है। इस बार सच्चे पाशाह ने कृपा की है कि हमारी टीम जो है, जो फाइनल की जो दौड़ होती है उसमें विजेता घोषित सच्चे पाशाह के आशीर्वाद से हुई है। तो एक ये मोटिवेशन जो सदगुरु ने हमें दी है स्पोर्ट के माध्यम से, चाहे हम NYS में देख लें कि एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को, एक पॉजिटिविटी को सदगुरु ने कहा कि इसको हमने आगे लेकर जाना है, तो उन सभी शिक्षाओं को हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो यंगस्टर्स है वो इस मिशन के साथ जुड़ा रहे। बाबा गुरबचन सिंह जी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की इस रूपरेखा के लिए आइए और जानते हैं संत निरंकारी मंडल के सेक्रेटरी श्री जोगिंदर सुखीजा जी से। ये 24वां बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जो समालखा के इन विशाल मैदानों में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें देश की 48 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और भाव एक ही है कि जो सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने समय पर हमें शिक्षाएं दी, समाज के प्रति जागरूक किया, अपने अध्यात्म के प्रति जागरूक किया, और साथ ही हमें तन और मन दोनों को तंदुरुस्त की बात सिखाई, उसी भाव को लेकर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन की मुहिम को जारी रखते हुए 10 मार्च को आओ सवारे यमुना किनारे थीम पर दिल्ली के रामघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में निरंकारी वॉलंटियर्स तथा सेवादारों ने यमुना के इस घाट की विधिवत रूप से सफाई की तथा लोगों को जलाशयों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। स्थानीय लोगों ने मिशन द्वारा किए जा रहे इस लोकहित कार्य की प्रशंसा की। न्यूज डिवाइन की इस टीम के साथ आज मैं मुस्कान खड़ी हूँ यमुना रामघाट दिल्ली के किनारे, जहाँ पर संत निरंकारी मिशन के अनेकों सेवा दल के महात्माएं इस सेवाओं के रूप में अपनी योगदान दे रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर बसे दुकानदारों से कि उन्हें ये सेवाएं देखकर क्या महसूस हो रहा है। आज मैंने देखा, देखो एक ग्रुप है जो एक व्हाइट कलर की कैप लगा के, खाकी वर्दी पहन के जो काम कर रहा है, और देख के इतनी खुशी हो रही है, शायद हम भी सोच रहे हैं हम भी इसमें इनके साथ लग जाएं साथ में काम में। ये आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। पहले यमुना जी में बहुत गंदा रहता था, यहाँ आने की भी इच्छा नहीं करती थी, जब से आप लोगों ने स्थान संभाला है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं एंट्री करी तो देखा काफ़ी सारी भीड़ भड़का हो रहा था, मैंने क्या क्या हो रहा है पता नहीं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने देखा काफ़ी ड्रेस पहन रखी है लोगों ने, लेकिन जो भी निर्माण इन्होंने साफ सफाई का कराया वो बहुत अच्छा है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। With the grace of Sadguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, we continue to witness the zeal and enthusiasm by which the devotees of Sant Nirankari Mission participate in various noble deeds for humanity. In this regards, a blood donation camp was organized in the Emirates of Dubai on 24th March. Here, saints from all walks of life residing in nearby places such as Bird Dubai, Sharjah, Azman, Jarf, Sonapur, Sajja, Zebel Ali enthusiastically took part in the camp. The medical staff and doctors at the Dubai Blood Donation Camp expressed their sincere gratitude towards the donors for their contribution. As we witnessed the Project Amrit being organized in various cities of India during the past few months of 2024, the project has also gone overseas, carrying its humble theme of Swachh Jal Swachh Man in various places such as Denmark, Auckland in New Zealand, Phoenix in Arizona. Moreover, a lot of states in Australia, namely Brisbane, Canberra, Melbourne, Perth, Sydney and Tasmania, saw a huge number of saints from all over the country enthusiastically participating in the project. साथियों, अप्रैल महीने की खबरों में बस इतना ही। हम आपको याद दिलाते चले कि इस महीने की 24 तारीख को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन छत्रछाया में मानव एकता दिवस समागम दिल्ली के ग्राउंड नंबर 2 में आयोजित होने जा रहा है। तो अगले महीने के न्यूज़ डिवाइन अंक में सद्गुरु की दूर देशों की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा और मानव एकता दिवस की रिपोर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त महक को। नमस्कार, धन निरंकार।